महू में कांग्रेस और भाजपा से बागी होकर अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा महू में चुनावी रंग दिखने लगा है। भाजपा से मंत्री उषा ठाकुर प्रत्याशी हैं और एक महीने पूर्व भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले रामकिशोर शुक्ला प्रत्याशी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से युवा चेहरा सुनील चौधरी चुनावी मैदान में हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार को टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मूल बनाकर वे मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं भाजपा में स्थानीय प्रत्याशी को लेकर अंतर कलह बनी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को मनाने के लिए मंत्री उषा ठाकुर घर घर जाकर दस्तक देकर मान मुनव्वर कर रही है। वहीं कांग्रेस में 15 से अधिक उम्मीदवार टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट किसी को भी मिले, सभी एकमत होकर कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला के साथ अन्य दावेदारी जीतने वाले उम्मीदवार अभी तक नदारद नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार टिकट कटने से नाराज होकर 27 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन भर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा से भी स्थानीय उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार सुनील चौधरी ने अपना जनसंपर्क जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। दिल्ली पंजाब में दी जा रही योजनाओं का बखान कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो नामांकन भरने का अंतिम दिन 30 अक्टूबर है। अब यह देखना है कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतर कर मुकाबले को कितना रोचक बनाते हैं। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।